शिवराज के राज में कॉलेज छात्र दर दर भटकने को मजबूर है। 5,000 से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से न तो उनकी मार्कशीट मिल रही है और न ही माइग्रेशन। एमपी टास्क पोर्टल पर फॉर्म भरने के बाद भी छात्रों का डाटा ही अपडेट नहीं किया गया। भले ही शिवराज सरकार खुद को छात्रों का हितैषी बताती हो, लेकिन छात्रों की समस्या तो कुछ और ही कहती है। मध्य प्रदेश के लाखों छात्र स्कॉलरशिप के पात्र होते हैं, लेकिन वर्तमान में वही छात्र स्कॉलरशिप के लिए दर दर भटक रहे हैं। बड़े बड़े समारोह आयोजित करने वाली शिवराज सरकार के पास मनोरंजन के लिए तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन छात्रों को उनके हक के पैसे देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले 5,000 से ज्यादा छात्र स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से उच्च शिक्षा संचालनालय के चक्कर काट रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के बाद भी उनका डाटा स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है और इस वजह से वह अपने कॉलेज की फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उनकी मार्कशीट और माइग्रेशन अटके हुए हैं। छात्र उच्च शिक्षा संचालनालय के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हो पा रहा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।